फूलों की बोली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। फूलों की बोली नाटक के नाटककार का नाम वृंदावन लाल वर्मा था। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक था फूलों की बोली। जहर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का नाटक है जहर। जहर नाटक के नाटककार का नाम उदय शंकर भट्ट। मानस के हंस रचना के रचनाकार का नाम अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है मानस का हंस। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला था। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला। लेखक का नाम कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार का नाम शिवमंगल सिंह सुमन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में इनको मिला था। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। विदूषक नाटक की रचना किसने की। विदूषक नाटक की रचना किसने की, तो विदूषक नाटक की रचना सुरेंद्र वर्मा ने की थी। सुरेंद्र वर्मा ने विदूषक नाटक की रचना की। समकालीन कहानी के प्रवर्तक का नाम बताइए। गंगा प्रसाद विमल थे समकालीन कहानी के प्रवर्तक। दीप मालिका कहानी के लेखक का नाम बताइए। दीप मालिका। भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है दीप मालिका। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम बताइए। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। चलिए कल्याणी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का नाटक है कल्याणी, तो कल्याणी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सरोज स्मृति नामक लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सरोज स्मृति। शारदीय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदीय। शारदीय नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। ललित विक्रम नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ललित विक्रम, तो ललित विक्रम नाटक के नाटककार वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह हिम तरंगिणी। तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तमस उपन्यास के लेखक का नाम भीष्म साहनी है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था। दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। वीरेन डंगवाल का है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004। अंजो दीदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है। अंजो दीदी नाटक है वो उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है। परशुराम की प्रतीक्षा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेख कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है। इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा का। इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह का प्रकाशित हुआ 1936 में प्रकाशित हुआ इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह। कोठरी की बात, तो ये प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा। करुणालय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। करुणालय नाटक के नाटककार का नाम करुणालय नाटक के नाटककार का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है करुणालय। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कयाप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मनोहर श्याम जोशी का ये उपन्यास है और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 2005 में। कयाप उपन्यास। चलिए तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। भीष्म साहनी सॉरी भीष्म नाटक के नाटककार का नाम बताइए। विश्वंबर नाथ शर्मा कोशिका नाटक है भीष्म, तो भीष्म नाटक है वो विश्वंबर नाथ शर्मा कोशिका नाटक है। समाधि नाटक के नाटककार का नाम बताइए। समाधि विष्णु चंद्र प्रभाकर का नाटक है। समाधि समाधि है वो विष्णु चंद्र प्रभाकर का नाटक है। सवरक की झलक। सवरक की झलक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है सवरक की झलक। चक्रवात नाट चक्रवात रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है चक्रवात, तो चक्रवात रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राहुल सांकृत्यान का सप्तमी के बच्चे कहानी संग्रह का प्रकाशित हुआ 1935 में प्रकाशित हुआ। राहुल सांकृत्यान का कहानी संग्रह सप्तमी के बच्चे 1935 में प्रकाशित हुआ। शिवरानी देवी का कहानी संग्रह कौमुदी कब प्रकाशित हुआ। कौमुदी कहानी संग्रह था शिवरानी देवी का और ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। 1937 में ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। और
चलिए देते हैं ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो कहानी के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार की ये कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड।